ये बन चुका है कुरकुरी मसालेदार टेंटन। हाय दोस्तों, मैं जुड़ चुकी हूँ खुशी एक न्यू ब्लॉग में आपके साथ, और आज हम बनाएंगे कुछ बहुत प्यारा सा अच्छा सा खाने के लिए। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, स्टाइल बताओ, दिखाओ मेरी भी। ये इनकी स्टाइल है, ये मेरी बड़ी वाली दी, मतलब बड़ी वाली क्या, बाजू वाली दी रहती है, उन्होंने की है स्टाइल, हेयर स्टाइल। तो देन आज मैं कुछ बनाऊंगी, आप लोग गेस कर सकते हो क्या बनाने वाली हूँ। ये सेव भुजिया है, फिर ये है क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड है, और ये भी सेव भुजिया है। मतलब इतनी सारी चीज़ें लेके आई हूँ मैं, और देन ये बटर है। अब इन सारी चीज़ों से क्या बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी एंड तक। यार सीक्रेट है तो क्यों बता रही है यार कोई नहीं, इसकी बात छोड़ो, मैं कुछ और नया बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं बनाते बनाते भी सारा दिखाऊंगी और टेस्ट करके भी बताऊंगी फाइनली कैसा है कैसा है। ये हमारे यहाँ के तीन बंदर हैं, ये मेरी मौसी बंदरिया, ये मेरी मौसी है ना, कितनी खूबसूरत है। तो अभी मैं इसके जो आउट साइड है ये रिमूव करूंगी, और रिमूव करने के बाद मैं क्या बनाऊंगी आपको दिखाती हूँ। फाइनली ये हो चुका है, इसके आउट साइड मैंने निकाल दिया है, और उसके बाद में हम करेंगे इस इसमें ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी हमने जो आलू मम्मी ने वो क्या बोलते उसको क्या किया था, फ्राई गरम बारीक, तो बारीक आलू भी हम उसको पहले रिमूव कर देंगे छिलका, देन इसके बाद आगे आगे प्रोसेस कर। उसमें क्यों डाल रही हो यार, ये पानी डालना है। ये मैंने जो आलू अभी वो क्या बोलते हैं छिलके निकाले थे, उसमें से धनिया पत्ती और हरी मिर्च ऐसे ही मैंने डाल दिया है, और ये है बेसन है, तो बेसन का मैंने पतला पतला कर लिया है। ठीक है, फिर अभी इसको क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। ठीक है, फ्राई करने के बाद में इतनी छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे इसका, टिक्की बनाने के बाद में फिर आगे हम आपको दिखाएंगे टिक्की कैसे बना, मतलब कैसे बनाते हैं, आप लोगों को तो आता होगा। अभी मैं डालने जा रही हूँ प्याज, तो मैंने डाल दिया प्याज और ये डाल दिया मैंने प्याज, मैंने इसमें डाला धनिया सूखी धनिया, और हल्दी डाली थोड़ी सी, और नमक डाली, लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली कि मेरे को पता नहीं थी ठीक है कि तीखी होगी कि नहीं। तो अभी मैं डाल रही हूँ आलू, जल गई मैं। ये मैंने आलू फ्राई कर लिया है, ठीक है, ये मैंने आलू फ्राई कर लिया है, जैसे लगता कुकिंग क्लासेस में सिखा रही हूँ। अब आलू फ्राई करने के बाद में देन अभी बेसन है, फिर ये जो हमारे पास ब्रेड था वो है, फिर ये है, फिर बटर है, अभी इसको भी हम बनाएंगे। ये बटर को मैं हल्का हल्का पतला पतला काट रही हूँ, ठीक है, ये काटने के बाद में और ये
ये पूरा फिनिश हो चुका है, मैंने काट दिया है। अब साइड में मैंने थोड़ा सा आलू लिया है, ठीक है, इतना सा आलू लिया है। देन इसके बाद में एक बटर रखा है मैंने, बटर रखने के बाद में फिर थोड़ा सा आलू लिया है इसमें, ठीक है। आलू लेने के बाद में इसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर दिया, ठीक है। अभी ऑयल तो डाला नहीं मैंने, सारा तेल खत्म कर दिया, तेल भरा तो ऐसे बटन फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जो बन के रेडी हो गया है मेरा कुरकुरे मसालेदार, पता है क्या है, टैंटरहान। ये इसमें कुरकुरे मसालेदार मैंने रखा है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी कि मैंने बनाया कैसे। टमाटर की चटनी पीसी जा रही है, पहले मैं वो पिसवा लूँ फिर उसके बाद दिखाऊंगी। अभी वेट करना पड़ेगा आपको, जितना टाइम मुझे बनाने में लगा उतना टाइम आपको देखने में लगेगा। तो ये बन चुका है कुरकुरे मसालेदार टैंटरहान। हमारे यहाँ पे सब टूट पड़े हैं ये खाने के लिए। बताओ काव्य कैसी ये बनी है, सच में अच्छी है ना? ये ग्रीन ग्रीन चटनी है, बहुत टेस्टी बना है, खाना तो आ जाओ। बताओ कैसी बनी है, बहुत टेस्टी है। बताओ सिद्धार्थ। सच में बताओ कैसी बनी है, अच्छी बनी है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। देन बहुत टेस्टी बनी है, मैंने भी खा के टेस्ट कर लिया। और सच में आप लोग भी ट्राई करना, रेसिपी मैं बता दूंगी। आप लोग मेरे से मतलब मुझे है ना मैसेज कर देना, कमेंट्स कर देना, तो मैं रेसिपी बता दूँगी, ठीक है। मुझे सब कुछ आता है बनाने, आप लोगों को अगर बनाना हो तो मुझे बेइज्जती मत किया करिए।